देखो जैसे ये 5 रुपया है, इस रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। इस पे जो भारत सरकार का मोहर है, जो ये डिजाइन है, वो डिजाइनवा का वैल्यू है। इतना टफ डिजाइन है कि लोहार बनाइए नहीं पाएगा। लोहार बनाएगा तो उसको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अगर सरकार 500 का सिक्का बना देगी ना, दुए दिन में लोहार बैठेगा, तनी सा तांबा खरीदेगा 10 रुपया का, ठोक ठाक के उसको खूब अच्छा बना देगा। इसलिए सरकार बेवकूफ नहीं है, ये जनता की भारत का लोहार बहुत खतरनाक है सर। आगे देखते हैं, दूसरा इसने गलती क्या किया, नोटबंदी मुद्रा चेंज किया, सांकेतिक मुद्रा। इसने कहा यार चांदी के सिक्के से बड़ी दिक्कत होता है, चांदी मिल ही नहीं रहा है, सिक्का ज्यादा नहीं आ पा रहा है, एक काम करते हैं तांबा का सांकेतिक मुद्रा काट देते हैं, गोल कल गोल वही कल से नोट बन रहेगा। अब जितना लोहार था सब उसने देख लिया, सर सिक्का में तो कुछ खास है ही नहीं, हम भी बना सकते हैं। अब आप कहेंगे सर उस तरह से चांदी का सिक्का चला सकते हैं, तो देखिए चांदी के सिक्के में किसी मोहर या डिजाइन की वैल्यू नहीं होती है, चांदी के सिक्के में वैल्यू चांदी की होती है, सिक्के के सिक्के में वैल्यू सिक्के की होती है। लेकिन जो सांकेतिक मुद्रा होता है, पैसा है जी 1 को 2 रुपया, हम तो पैसे नहीं रखते, 1 को रुपया नहीं रहता है पास में, है कि नहीं? हाँ ला 1-2 रुपया कुछ दो ना। हाँ देखो जैसे ये 5 रुपया है, इस रुपए का कोई वैल्यू नहीं है। इस पे जो भारत सरकार का मोहर है, जो ये डिजाइन है, वो डिजाइनवा का वैल्यू है। तो भैया ये डिजाइन का वैल्यू है, लोहार इस टाइप का डिजाइन बना लिया। अब ये इतना टफ डिजाइन है कि लोहार बनाइए नहीं पाएगा, लोहार बनाएगा तो उसको महंगा पड़ जाएगा, 5 रुपया से ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसीलिए सरकार ज्यादा वैल्यू का सिक्का नहीं बनाती है, क्योंकि अगर सरकार 500 का सिक्का बना देगी ना, दुए दिन में लोहार बैठेगा, तनी सा तांबा खरीदेगा 10 रुपया का, ठोक ठाक के उसको खूब अच्छा बना देगा। लोहार का खर्चा आएगा 25 रुपया, और सिक्का का वैल्यू है 500 रुपया। इसलिए सरकार बेवकूफ नहीं है, सरकार कभी भी बड़े वैल्यू का सिक्का नहीं निकालती है। जनता की भारत का लोहार बहुत खतरनाक है सर, डिजाइन तुरंत बना देगा। अब मोहम्मद बिन तुगलक बैल, उसने तांबे का सिक्का निकाला और उस सिक्के का वैल्यू बहुत ज्यादा रख दिया, तो लोहार देखा सर ससुरत ने तांबा का सिक्का वहां पे 4 को 5 को डिजाइन बनल है, क्या दिक्कत है, वही सांचा का डिजाइन बनाते, हमारा खर्चा आएगा 100 रुपया, सिक्का का वैल्यू है 2000 रुपया, सब लोहार लगा सब बनाने। इसीलिए सरकार कभी भी ज्यादा वैल्यू का सिक्का नहीं बनाती है। अब 10 रुपया का हार्डली सिक्का आता है, अब लोहार अगर उस 10 रुपया वाले सिक्का को, अब एक चीज और देखिएगा, 10 रुपये वाला सिक्का सिक्वा ससुरा दो डिजाइन का होता है, एक अलगे मेटल एक अलगे मेटल घुसा देता है, क्योंकि लोहार अगर उसको अपने यहां बनाएंगे देसी मेथड से तो का 20 रुपया खर्चा आ जाएगा, इसलिए लोहार नहीं बनाएगा। सरकार क्या है, मशीन से बनाती है, हर चीज फिक्स है, चोरी करना नहीं है, उसका अपना मॉडल है, मशीन है, फिक्स है, धर 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 बना देती है। सरकार को खर्चा 10 रुपये वाले सिक्का बनाने में हार्डली 2 रुपया आता है, समझ में आएगी ना? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, तांबे का सांकेतिक मुद्रा बनाया, है भी वैल्यू का, तो लोहार सब लगा सब बनाने वहां पर, कहा सब ले ससुरा इसका तो गड़बड़ हो गया। अब कागज के नोट में वैल्यू ज्यादा होती है, जैसे 2000 का नोट होता है, ये बहुत गलत डिसीजन है, कभी भी बहुत ज्यादा वैल्यू का नोट नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो अगर नकली गया तो किसी को भी चूना कितना का लगेगा, एक वो नोट अगर गया तो 2000 में से 2000 का चूना लग जाएगा, पहले क्या था 1000 का चूना लगता था, तो नकली की संभावना ज्यादा। दूसरा, नोट नकली बनाएंगे तो इजीली पकड़ में आ जाता है, उसमें कलर मैच करना ये वो वगैरह, इसलिए सरकार भी देखिएगा अब 2000 के नोट को प्रमोट नहीं कर रही है, उसको भी पता है कि हम भी यही गलती कर दिए थे जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, इसलिए अब 2000 के नोट धीरे 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 प्रचलन में से 2-4 साल में ऐसे ही खत्म हो जाएगा, नया प्रेस उतना नहीं दिया जा रहा है इसको 2000 वाले नोट को, समझ में आ गया कि नहीं? सरकार को करप्शन कम करने के लिए 500 का नोट हटा देता, तो 100-100 वाला नोट लीजिए, अब किसी को घूस देना है 10 लाख, 100-100 के नोट को 10 लाख करिएगा ना, बोरा में भर जाएगा। अब भाई 2000 वाला तो 10 लाख रुपए ऐसे जेब में हटा देंगे, बढ़िया सूट उट पहन के उसमें हटा देंगे। अगर आपको ज्यादा का काम है तो चेक से दीजिए, जहां चेक से देंगे तुरंत पता चल जाएगा किसने किसको दिया, कैश पता नहीं चलता आया कहां से गया कहां पर। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक की दूसरी गलती थी, उसने सिक्का चलाया, ज्यादा वैल्यू का सिक्का चलाना ही नहीं चाहिए। इसके यहाँ के लोहार सब लखपति हो गया सर, तो सारे सिक्के को ये लाया वापस, कहा कि सारा सिक्का लो लो ला 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 ला, बदले में चांदी का सिक्का ले जाओ यार, इससे जो हमारा घाटा लग गया यहाँ पर। तो इसको क्या हो गया, सांकेतिक मुद्रा चलाया तो घाटा लग गया। दूसरा, तीसरा का गलती क्या किया,